चलिए अब इस बार आपको क्या पढ़ना है, ट्रिक टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड N2 एंड बियर आयंस। आपको मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर N2 का, N2 के जो आयंस हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर को, और O2 और उनके आयंस का बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली पता कर लेंगे। किसी भी तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो मैं एग्जाम पे लिखा हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें ये सारी चीजें करना पड़े, पूरा डायग्राम बनाना पड़े जो मैं इसके पहले बताता था, σ1S σ2S, तो बहुत सारा समय आपका चला जाएगा। इसलिए मैं केवल सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक के माध्यम से आप सबका बॉन्ड ऑर्डर, सबका मतलब ये जितने मैंने दिए इनके बॉन्ड ऑर्डर को मोस्टली पूछा जाता है, और मैं जो ट्रिक बताऊंगा केवल इन्हीं के बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जिनमें अप्लाई होगा सिर्फ वो बताऊंगा, बाकी का आप थोड़ा सा इजी होते उनको ऐसे भी पता कर सकते हैं, या उनकी अभी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इनका अधिकतर पूछा जाता है एक साथ, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। इसमें ऐसा पूछा जाता है कि N2 है, N2 प्लस है, N2 माइनस है, N2 माइनस माइनस, इनके बॉन्ड ऑर्डर को क्रम से सजाइए। अब ये सीक्वेंस घटता हुआ भी हो सकता है या बढ़ता हुआ भी सीक्वेंस ऐसा आ सकता है। यही चीज ऑक्सीजन की स्पीसीज में होता है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर को सीक्वेंस में सजाइए। तो आप बताओ, जितने मैं O2 का आपको स्ट्रक्चर बनाने को दिया तो O2 का पहले पूरा डायग्राम बनाया, यदि मैं O2 माइनस का दूंगा तो O2 माइनस का इस तरह डायग्राम बनाएंगे या उसमें थोड़ा सा चेंज कर करके सेट करते रहेंगे। यहां पर कुछ भी नहीं आपको करना है, शॉर्ट मेथड बताता हूं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं O2 के बारे में बता देता हूं, किसके बारे में, O2 के, ध्यान से सुनना बेटा, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। अब जो O2 है, O2 और N2 दो में से इनका तो पता होता है ना, O2 का तो आपको पहले से पता है, O2 का कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, O2 में कौन सा होता है, O2 में डबल बॉन्ड, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितना है, 2 होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पहले से मालूम है, 2 है, नहीं मालूम है तो फिर रटना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें तो शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब O2 की जो दूसरी स्पीसीज है उनके बारे में समझना है, तो यहां अदर स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर यदि हम निकालना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इट्स आयंस, इसका अर्थ यह है कि यदि हम इसके आयंस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जो सबसे पहले था आपके पास 2, उसी 2 में कभी बॉन्ड ऑर्डर और घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, यही तो होगा। तो 2 आपका मेन हो गया, जो कह सकते हैं जहां से ओरिजिनल प्रोसेस शुरू हुई है, O2 से शुरू हुई है। तो हम यहां लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस, और फिर लिख देते हैं प्लस, प्लस माइनस दोनों बातें लिख देते हैं, प्लस माइनस। अब एक चीज ये बात समझ में आ रही, पहले मैं क्या करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 लिख दूंगा, किसकी बात कर रहा हूं, O2 की, फिर मैं यहां प्लस का साइन लगाऊंगा और माइनस का भी साइन लगाऊंगा। बात यह आती, जब कोई स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बन सकता है, हाफ बॉन्ड, या कोई स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से कितना बॉन्ड कम हो जाएगा, हाफ बॉन्ड कम हो जाएगा। तो हम यहां बात करते हैं जो चार्ज है, चार्ज के माध्यम से भी हमको महसूस हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर घटना और बढ़ना कैसे पता चलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक माइनस है तो हम उसको हाफ बॉन्ड मान लें, एक प्लस है तो उसको भी हाफ बॉन्ड मान लें, घट रहा है कि बढ़ रहा है वो यहां से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां साइड में मैं लिखता हूं 1 यूनिट, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज क्या, या तो प्लस या तो माइनस, इसका मतलब होता है हाफ बॉन्ड ऑर्डर। क्या मतलब इसका, ये पहली बात समझ लो, यदि किसी पर एक प्लस है तो समझ लो एक हाफ बॉन्ड ऑर्डर का चेंजिंग होगा,
यदि किसी में माइनस वन है तो समझ लीजिए प्रत्येक माइनस में हाफ बॉन्ड ऑर्डर की चेंजिंग होगी, प्लस होगा कि माइनस होगा बाद में देखें। पहले यह समझना है कि चार्ज का मतलब क्या है। यदि किसी पर एक चार्ज है तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल होगा वो, ठीक है। यदि किसी में दो माइनस है तो इसका मतलब दो बार हाफ हाफ लिखना पड़ेगा आपको। अब यहां पर क्या करते हैं, हम प्लस माइनस लिखा, अब यहां लिख देंगे हाफ इंटू चार्ज। जितना चार्ज होगा, यूनिट होगा, यूनिट चार्ज जितना होगा उस यूनिट चार्ज की नंबर लिख देना है और यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको बताना है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। मैं एक ये फार्मूला हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैं लिख रहा हूं O2 के बारे में पता ही है, मैं लिख रहा हूं O2 प्लस। O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर इन O2 प्लस। अब देखिए फार्मूला मैंने क्या बताया, O2 प्लस का बताना है तो मुझे पहले किसका पता होना चाहिए, O2 का, तो लिख दिया। चार्ज क्या है तो प्लस लिख दिया, ये क्या हो गया, पहले मैंने टू लिख दिया, चार्ज क्या है प्लस है तो प्लस लिख दिया। कितना यूनिट है, वन यूनिट है, एक यूनिट के लिए कितना बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है हाफ, तो आपको लिख देना है हाफ। कितना हो जाएगा 2.5, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। अब मैं बात करता हूं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर किसकी, O2 माइनस में। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस, इसको आप पता करो कितना होगा, हाँ चलिए आपने देखिए कैलकुलेट किया होगा बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस। हमें जिसका बॉन्ड ऑर्डर पता करना है तो पहले उसके मेन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं। तो इनमें से O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टू है ना। चार्ज कैसा लगा है तो आप माइनस लिख दीजिए, जैसा चार्ज हो वैसा लिख देना है। प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस। इसीलिए तो मैंने फार्मूला में क्या लिखा था, प्लस अथवा माइनस दोनों लिख दिया था। तो यहां पर इसमें माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब कितना यूनिट है, वन यूनिट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल होता है हाफ, तो आपको लिख देना है हाफ इंटू वन। यहां चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो इतना तो आता है इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, हाफ मतलब 0.5 यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 1.5। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5। अगला मैं आपको देता हूं O2 माइनस माइनस बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस माइनस। इसको इस तरह लिखा जाता है, O2 माइनस माइनस अलग अलग भी लिख सकते हैं या O2 टू माइनस हो सकता है। अब इसमें बताइए कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले क्या करना है, मेन स्पीसीज जो हमारी है O2 है, उसका बॉन्ड लिख देना है ऑर्डर टू, माइनस है तो माइनस लिख देना है। कितना यूनिट चार्ज है, टू यूनिट चार्ज है, एक यूनिट चार्ज के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड ऑर्डर हाफ, और ये टू। ये हमने ऐसा मान लिया है कि हमें जल्दी से कोई आंसर मिल जाए, ठीक है। तो यहां कितना जाएगा आंसर, कितना आया, वन आया। अब कितनी हो गई स्पीसीज, वन टू थ्री और एक आपकी O2 हो गई। क्वेश्चन यहां पर ये आता है, इनके बॉन्ड ऑर्डर के घटते हुए अथवा बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए। तो यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं तो सबसे कम किसका हुआ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम वन है ना, किसका है O2 माइनस माइनस। इससे ज्यादा 1.5 किसका है, O2 माइनस का, और 1.5 से ज्यादा किसका होगा, O2 का होगा क्योंकि 2 है ना, और इससे ज्यादा O2 प्लस का होगा। यहां देखिए 1 आया है, यहां कितना आया है बोलिए 1.5, यहां 2 और यहां 2.5।
इस तरह से आप ऑक्सीजन के बारे में पता कर लेंगे। कोई इसमें समस्या? कितना सिंपल प्रोसेस है, आप इसी तरह डायरेक्ट पता कर सकते हैं, बशर्ते आपको O2 का पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपकी। चलिए अब कौन सा बचा, N2 के बारे में पूछा जाता है, तो मैं यहां लिखता हूं N2 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। तो N2 का तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेन स्पीसीज है, तो N2 का कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो N2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, इसका पता चल गया। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर किन का बताना है, इसके आयंस का बताना है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इट्स आयंस। तो ध्यान रखना यहां एक कंफ्यूजन होगा आपको उस, लेकिन यदि कंफ्यूजन मैं क्रिएट करूंगा तो मैं कंफ्यूजन दूर भी करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं यहां पर लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर पहले किसका, N2 का, वहां किसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा था मैंने, O2 का, 3 लिख दिया ना यहां, क्योंकि मैं N2 बता रहा हूं, N2 का बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा। आपको याद होगा इसके बाद मैंने क्या लिखा था, प्लस भी लिखा था माइनस भी लिखा था ना, लेकिन आज मैं ना तो मतलब मैं दोनों एक साथ नहीं लिखूंगा, केवल माइनस, बाद में नोट करना पहले समझ लो इसको, मैं केवल माइनस लिखूंगा प्लस नहीं लिखूंगा। क्या याद रहेगा, याद कराने का तरीका मैं अभी बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, पहले जो मैंने बताया वो सुना कि नहीं सुना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाले में प्लस भी लिखता था, यदि प्लस चार्ज होता था तो मैं प्लस लिख देता था, माइनस चार्ज होता था तो माइनस लिख देता था। अब N2 के केस में मैं केवल क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। N के केस में क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। अब यहां पर क्या लिखूंगा, हाफ मल्टीप्लाई उतना करना जितना यूनिट चार्ज है, नंबर ऑफ यूनिट चार्ज, कितना यूनिट चार्ज है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, मैं सबसे पहले N2 माइनस की बात करता हूं, बॉन्ड ऑर्डर यदि मैं पढ़ा दूं और लास्ट मुझे भूल जाए तो मुझे ये जरूर याद दिलाना कि सर हमको कैसे पता चलेगा, एग्जाम में हमको कैसे ध्यान रहेगा कि नाइट्रोजन के केस में केवल सब्ट्रैक्ट करना है और ऑक्सीजन के केस में एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन, ये मैं ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझा देता हूं। तो यहां पर N2 है, किसका बताना है, N2 माइनस का। N2 माइनस का यदि हम बॉन्ड ऑर्डर बताने जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसके ओरिजिनल स्पीसीज को लिखें, मेन स्पीसीज इसकी 3 थी, जहां से पैदा हुई है ये। अब हमने लिख दिया 3, अब 3 के बाद क्या लिखना है, चार्ज कितना लिखना, माइनस लिखेंगे ना, इससे कोई मतलब नहीं कि माइनस है कि प्लस, यहां जो फार्मूला हमारा माइनस, हाफ लिख देना है और कितना यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ गया, 2.5। तो N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या गया, 2.5। अब मैं फिर से लिखता हूं बॉन्ड ऑर्डर इन N2 माइनस माइनस, इसके बारे में बताइए जल्दी से, क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले N2 का लिखेंगे, 3 माइनस लिखें, यहां सोचना नहीं कि प्लस लिखना है कि माइनस, वहां सोचना पड़ता था O2 वाले में, प्लस है तो प्लस लिखते थे, माइनस है तो माइनस लिखते थे, यहां हर जगह माइनस लिखना, माइनस लिख दिया, कितना हाफ होता है ना बॉन्ड ऑर्डर, एक चार्ज के लिए कितना चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज, तो आंसर 2-2 कैंसिल हो गए, 3 में 1 चले गए, कितना आया, 2। N2 माइनस माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आगे 2, मतलब डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद आता है बॉन्ड ऑर्डर इन N2 प्लस, N2 प्लस जो बॉन्ड ऑर्डर बताया इसका कितना होगा, 3 होगा। अब 3 आपने रख दिया माइनस, क्या है यहां प्लस है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, माइनस रखना है, एक चार्ज के लिए आपको क्या लिखना, हाफ, कितनी यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट, आंसर कितना आया, मतलब 2 का इक्वल हो गया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर और एक और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो गया ना, कितनी हो गई स्पीसीज हमारी, 1, 2, 3 और एक आपका N2 हो गए, 4 हो गए।
अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, मुझे ट्रिक बताना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यहां पर ये बच रही है बेटा, इसको सुनो कि सर हमको एग्जाम में कैसे याद रहेगा। मान ली हमें अभी भूल गया और हमें एग्जाम में कैसे याद रहेगा कि सर किसमें प्लस लगाना है किसमें माइनस लगाना है। तो मैं सिर्फ उसकी बात बता देता हूं जिसमें केवल नेगेटिव लगना है, जिसमें केवल माइनस लगना, मैं सिर्फ उसकी बात बता देता हूं। और बाकी में तो आपको पता है ना कि एक में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एन फॉर नाइट्रोजन, यदि नाइट्रोजन आ जाए तो केवल नेगेटिव होगा साइन वहां और कुछ नहीं होगा। बताओ भाई, समझ गए थे ना आप मैं क्या बताने वाला हूं? ठीक है, तो एन फॉर नाइट्रोजन और एन फॉर नेगेटिव, यदि नाइट्रोजन आ जाए तो नाइट्रोजन के केस में यहां का साइन हमेशा क्या रहेगा? माइनस रहेगा, भले ही इधर प्लस लिखा हो। जबकि ऑक्सीजन वाले में क्या होता था, प्लस है तो यहां प्लस लिखते थे, माइनस है तो यहां माइनस लिखते थे। अब इसका ऑर्डर बताइए भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर बताना? सबसे कम किसका है? एन टू माइनस का है ना। लिखो बॉन्ड ऑर्डर, ये पूछा जाता है। एन टू माइनस कितना बताइए? नहीं, एन टू माइनस माइनस, एन टू माइनस माइनस आपका है दो, फिर एन टू माइनस कितना है 2.5, और फिर एन टू प्लस भी तो 2.5 है। तो एन टू प्लस आपका बॉन्ड ऑर्डर है, अरे हाँ एन टू प्लस लिख देता हूं, एन टू प्लस, और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? एन टू का। तो ये 2.5 और ये 2.5, ये दोनों बेटा क्या है? इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है ना 2.5, और ये कितना है? 3 है। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट कर ले, आपको कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। यदि केवल बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आया और 1 मार्क में पूछा गया, डायरेक्ट आप ऐसा करेंगे। ठीक है,